हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैंने लगाई है मशीन और मैं धो रही हूँ कपड़े। तो और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है और वैसे सब्जी वगैरह मेरे सारा कुछ बन चुका है। बस नहाने के लिए मैं रह गई हूँ, नहा धोनी, बस रोटी बनानी है। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे कपड़े धोने हैं। तो बस मैं कपड़े निकाल के और फिर मुझे नहाने जाना है। तो अब मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ नहा के। और ये देखिए मैं आ गई हूँ अभी नहा के। तो अब मुझे करनी है पूजा। तो आइए आप लोग मेरे मेरे भगवान के दर्शन कर लीजिए। तो आइए चलो चलते हैं पूजा करने। तो मैं आज आपको फिर से अपना मंदिर दिखाऊंगी। तो अब करूंगी मैं पूजा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा और ये मैंने लिया है आसन। ये पूजा का ही आसन है, इस पर बैठ करके ही पूजा करती हैं और पाठ करती हैं। तो वैसे भगवान भगवान मतलब वैसे पूजा हो चुकी है, भगवान नहा लिए हैं। तो बार बार भगवान को नहीं नहलाती हैं, एक बार ही नहलाया जाता है। तो बस मैं वैसे ही से मतलब उनको कपड़े उतार कर नहीं नहलाऊंगी, वैसे ही पानी से नहला दूंगी। और यहाँ पे मैं उनकी आरती करूंगी और आरती करने के बाद फिर मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है। और आरती करने के बाद फिर मैं थोड़ा पाठ करूंगी। तो बस यही मेरी पूजा होती है। तो मैं वैसे थोड़ी देर में उनका पाठ करूंगी। तो और मैं किसका पाठ कर रही हूँ तो ये तो मैं नहीं बताऊंगी। और पूजा है, पूजा में पूजा तो वैसे बता के नहीं करनी चाहिए, तभी तो मैंने इसमें आवाज़ मतलब आप वॉइस नहीं की है, मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ। और अब मैं पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलूँगी, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए, देखिए। हेलो दोस्तों, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। तो चाय मेरी बन रही है और इस पहले मैं बिना चीनी वाली चाय निकालूँगी, वो मुझे मम्मी को देनी है। और फिर सब मैं सबके लिए चीनी डालूँगी। तो अभी शायद 5 बज रहे हैं, मैंने अभी टाइम देखा नहीं है, पर शायद 5 बजे का ही टाइम है, 4:30 या 5 बजे का ही टाइम हो रहा है।
सब लोगों का चाय का टाइम हो गया है, तो बस मैं अब चाय इसमें से निकाल के मम्मी को दे देती हूँ और बाकी सबके लिए इसमें चीनी डाल देती हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ये मम्मी की चाय है, ये मेरी है, ये दीदी की है। तो अब हम जा रहे हैं चाय पीने। तो शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे मैंने गैस पे रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है घी। तो मैं आज क्या बनाने वाली हूँ, और ये मैंने आलू बॉईल किए हैं, तो ये बॉईल किए हुए आलू हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू का हलवा। वैसे व्रत में ज़्यादा चलता है, पर कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि किसी का व्रत हो तभी बनाओ, वैसे भी बना लेना चाहिए कभी कभी। तो आज आलू का हलवा खाने का मन था, तो आज आलू का हलवा बन रहा है। और मैंने आलू बॉईल किए हैं, उनको छील के और अच्छे से मैं उसी में मैश कर रही हूँ, ताकि मुझे कढ़ाई में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो बस मैं उठा के उसे नीचे देख रही थी, मैं कहीं इसमें नीचे निकल तो नहीं रहा, तो उसमें तो थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा था। तो मैं अच्छे से इसमें उसे काट काट के और उसी में अच्छे से मैश कर रही थी। और ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़े थोड़ी थोड़ी सी वो रहती है ना, तो अच्छा लगता है। और कुछ तो फिर कढ़ाई में ही हो जाता है। तो इसमें मैंने घी लिया है, 1-1.5 किलो आलू होंगे, 1 से 1.5 किलो के बीच में ही होंगे, ज़्यादा नहीं है, इतना ही। शाम का टाइम है तो बस इतने इतना ही हो पाएगा, क्योंकि फिर बच जाता है तो फिर कोई खाता नहीं है, फालतू में पड़ा रहता है, फेंको फिर उसे। तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। और इसमें मैंने घी लिया होगा, 300-400 ग्राम के लगभग घी था। कुछ तो मैंने इसमें पहले ही डाल लिया है, कुछ थोड़ा बनने के बाद भी डाला था, वो तो शायद मैं नहीं दिखा पाई, मैंने ध्यान नहीं रहा था, पता नहीं क्या मैंने बताया, इसमें दिखाया नहीं है। तो अब मैं ना आलूओं को तब तक बॉईल करूँगी, सॉरी बॉईल नहीं, बॉईल तो बॉईल हुए आलू है, मैं तब तक इनको इसमें रोस्ट करूँगी, तब तक इसमें ये साइड से इसमें घी ना छोड़ जाए। और जैसे ही ये साइड से घी छोड़ जाएगा ना, तो आलू पक गए, मतलब समझो कि अब वो हमें चीनी डाल लेनी चाहिए। तो बस मैं वही, और इन्हें ना चलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये तली में लग जाते हैं। तो बस मैं बार बार उसे चला रही थी, और आलू जो वैसे इतने ज़्यादा बड़े बड़े आलू थे, तो मैं उनको भी उसी में ऐसे कर कर के फोड़ रही थी। तो मैं अच्छे और एक हाथ से कढ़ाई पकड़ के और अच्छे से मैं ऐसे ऐसे ही नीचे से ऊपर ऐसे ही कर रही थी, क्योंकि नहीं करूँगी ना तो फिर वो तली में लग जाएगा। और इधर मैं देख रही थी कि कहाँ से सही बनेगा, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से सही दिखाई देगा। तो फिर मैं इधर से, मैंने फिर मोबाइल इधर लिया, तो फिर मैं यहाँ से दिखाने लगी। तो अब मेरा हलवा अभी तो अब बनने ही वाला है, और जब जैसे ही साइड से घी छोड़ देगा ना, तो फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और अभी तो बना नहीं है, तो बस मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही थी। और अब देखो, अब ये पकने ही वाला है। वैसे तो आलू बॉईल किए हुए हैं, लेकिन तभी हमें इसे अच्छे से भूनना पड़ता है। देखो ये साइड से घी छोड़ रहा है, देखो मैंने बीच में करके भी दिखाया है। तो जैसे ही किनारी किनारी से घी आने लगे, और बीच में कहीं मतलब ये कढ़ाई से चिपके नहीं, जैसे ही कढ़ाई चला उसके साथ ही चले, तो समझो कि अब ये पक गया है। तो फिर इसमें चीनी डाल लेनी चाहिए। तो मेरा पक गया था, फिर मैंने डाली इसमें चीनी। और चीनी आपको अपने हिसाब से ही डालनी है, क्योंकि कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो उस हिसाब से चीनी डाल लेनी चाहिए। मैंने अपने हिसाब से डाला है चीनी, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता है वो भी अच्छा नहीं लगता, और कम मीठा रह जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बस अब मेरा हलवा बन करके है रेडी। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बिना स्किप किए हुए मेरा वीडियो पूरा देखा करो। आप लोग स्किप करके देखती हो, बहुत टाइम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे कंप्लीट होगा। और ना ही आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
अब मैं अपने ब्लॉग का करूँगी एंड, क्योंकि हम फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो, स्किप कर देती हो। तो बस मैं आपसे यही बार बार कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिए। और जो मेरे नए नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं, और मैं उनको दिल से थैंक यू बोलती हूँ, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू। और मेरे सब्सक्राइबर, मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। तो बस ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ, और मेरा मतलब मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। तो मेरी वीडियो फुल देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।